कोई भी किसी भी पद पे हो, कोई किसी प्रोफेशन से बिलोंग करता है, अगर गाय पे कोई हमला करता है, गाय पे कोई, अब सब बोलता है गर्दन उखाड़ के फेंक देंगे या काट के फेंक देंगे अगर हमारे सामने गाय को काटेंगे। आप जिस देश का बंटवारा धर्म के आधार पे करते हो, दो देश को आप संविधान इस्लामिक राष्ट्र की तरह बनाते हो और एक को धर्मशाला बना देते हो और उन दिमागों को छोड़ देते हो कि धीरे धीरे खचाखच सुअरों की तरह बच्चा पैदा कर करके इस देश को जन आबादी के आधार पे वोट बैंक पॉलिटिक्स बिगाड़ के इस देश को कब्जा कर लेंगे, हमें नहीं दिख रहा है। अब वो भविष्य हम देख चुके हैं, इसीलिए अपने स्वाभिमान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पहले से गाय रखते थे, पहले हर त्रेता में द्वापर में गाय हमारी प्रधान रही है, हर जगह गौ माता को पूजा जाता था, तो इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा, क्योंकि हिंदू में प्रथम पूजनीय गाय है। तो उनकी पर्सनल चॉइस है ना कि वो कुत्ता बिल्ली पाल रहे हैं, किसी से पैसा थोड़ी ना। पर्सनल चॉइस क्या, पर्सनल चॉइस तुम कुछ भी करो, मुजरा करोगे, वो पर्सनल चॉइस है। दलित है कोई भी है, उनके लिए घर नहीं है और तुमने उनके लिए घर बनवा के दे रखे, एक एक गांव में 50-50, 100-100 घर दे रखे, जहां से तुम्हें एक वोट भी नहीं मिला। मैं बिल्कुल उसको जीता ज़्यादा प्रणाम दे सकता हूं। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। शाह ऑडिटोरियम में मैं मौजूद हूं और देखिए कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो हिंदुत्व के लिए बात करते हैं, हिंदुओं के लिए बात करते हैं। तमाम मुद्दे हैं मेरे साथ, मेरे पास इनसे बात करने के लिए, क्योंकि देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया में जो भी वाक्य हुआ उसको लेकर मैं सवाल करूंगा, और देश भर में जो चर्चित अभी एक मुद्दा है लॉरेंस वर्सेस सलमान खान, उसको लेकर भी मैं बातचीत करूंगा, और यहाँ जो डिमांड उठ रही है कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए, उसको लेकर भी मैं बातचीत करूँगा। क्या नाम हुआ सर जी? डॉक्टर प्रकाश सिंह, बताइए। देखिए मुद्दे बहुत हैं इस देश में, आप यहाँ आए हो शंकराचार्य जी की अगुवाई में, वो राष्ट्रमाता का दर्जा गाय को दिलाना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि ज़रूरत क्या है? ज़रूरत क्या है, क्योंकि एक सनातन आस्था है। आप ये पूछोगे मुसलमान से, आप सवाल पूछोगे तुम्हारे धर्म में सुअर हराम क्यों है, ये उनकी अपनी आस्था, बेचारी का आस्था है। कोई भी देश किसी, देखो जैसे हमारा क्या है, भारतवर्ष है, आधुनिक काल से लेकर और प्राचीन काल से लेकर और अभी तक भारत एक मतलब क्या वैदिक पूजा पाठ पद्धति तौर तरीके नियम कानून एक परंपराओं में बढ़ा गढ़ा एक देश है, जिसको बोला जाता है भारत इज़ लाइक अ मिनी वर्ल्ड, जो दुनिया में कहीं भी प्रताड़ित है, जो दुनिया में सारे देशों में एक एक धर्म जहां पर रहता है, भारत में एक मिनी वर्ल्ड की तरह धर्म रह रहा है। तो हम एक जीता जागता एक संसार है, इस संसार में हमारी कुछ मान्यता है, इस संसार में हमारी कुछ परंपराएं हैं, अगर मेजोरिटी होते हुए हम उस परंपराओं का वहन करते हैं और अपने अधिकारों के लिए अगर मेजोरिटी गिरगिरा के लड़ रहा है तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है, क्योंकि गाय को राष्ट्रमाता मानने के लिए आपने पूछा क्यों माने, क्यों ना माने, अगर गाय दूध देती है, गाय का ही दूध एक ऐसा होता है जो बच्चों के अंदर डायरेक्ट पाचनशील होता है, पच जाता है, बाकी कोई भी भैंस वैंस का कोई दूध पियोगे तो आपको पचाने के लिए मेहनत कड़ी करनी पड़ती है, जैसे बोला जाता है ना लाइक अ मदर मिल्क, जैसे बच्चे माँ का दूध पीते हैं तो तुरंत पचता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होता है उसको पचाने में, वैसे ही गाय का दूध होता है। माँ का दर्जा देते हैं क्योंकि माँ की तरह शांत और पवित्र होती है, वो हमें बच्चों की तरह प्यार करती है, लेकिन वही एक प्राणी भारत का एक हिंदू कम्युनिटी उसको माँ मानता है और दूसरा एक कम्युनिटी इस देश में जो राक्षस प्रवृत्ति का है, जो दरिंदे जाहिल घुस गए हमारे देश में, अशुद्ध कर दिया हमारी भूमि को, वो खाने के नियत से देखते हैं। तो हम कैसे, जिसको हम आस्था का केंद्र है गाय, जिसको हम माँ मानते हैं, एक को हम खाने को दे दें? नहीं खाने देंगे। कोई भी किसी भी पद पे हो, कोई किसी प्रोफेशन से बिलोंग करता है, अगर गाय पे कोई हमला करता है, गाय पे कोई, अब सब बोलता है गर्दन उखाड़ के फेंक देंगे या काट के फेंक देंगे अगर हमारे सामने गाय को काटेंगे, सीधा बात है, समर्थवान होंगे तो जवाब देंगे और डरपोक होंगे तो जैसे भगते हैं भगते आएंगे। तो ये हमारी हक की लड़ाई है, ये हमारी देश की परंपरा है, गाय गौ माता हमारी देश की धरोहर है, और अपने धरोहर के लिए लड़ना और बोलना और करना अपने आप में गर्व की बात है। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि सर काटने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन इसी देश में जामिया मिलिया इस्लामी की अगर बात करें तो कुछ हिंदू छात्र छात्राओं को दिवाली मनाने से भी रोका जाता है, उनके दिए तोड़ दिए जाते हैं, उनकी मानसिकता को लेकर आपके क्या विचार हैं? हाँ, वो जन्मोत्सव की दीपोत्सव कुछ 2024 किया जा रहा था। अब एक बात बताओ, बात चलती है कि भैया देश में भाईचारा रहना चाहिए, बात चलती है देश में सेकुलरिज्म रहना चाहिए, जो असेकुलरिज्म का चरस चटाया किसको गया? सिर्फ हिंदुओं को, हिंदू ही कम्युनिटी है जिसको सबको बराबर देखने का। आपके हिसाब से नहीं रहना चाहिए सेकुलरिज्म?
सेकुलर, अच्छा आप संविधान की बात मानते हो, बोलते हो ना देश में संविधान है, क्या जो अंबेडकर साहब ने संविधान ड्राफ्ट किया था उसमें सेकुलर शब्द था? बिल्कुल नहीं था, संसद नहीं था, संविधान की सभा में भी ये वर्ड नहीं था। 42 अमेंडमेंट कर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम सोशलिस्ट या सेकुलर शब्द, दो शब्दों को ऐड किया था जो हमारे संविधान में नहीं है, उसको हम कैसे माने? आप जिस देश का बंटवारा धर्म के आधार पे करते हो, दो देश को आप संविधान इस्लामिक राष्ट्र की तरह बनाते हो और एक को धर्मशाला बना देते हो, और उन दीमकों को छोड़ देते हो कि धीरे धीरे खचाखच सुअरों की तरह बच्चा पैदा कर करके इस देश को जन आबादी के आधार पे वोट बैंक पॉलिटिक्स बिगाड़ के इस देश को कब्जा कर लेंगे, हमें नहीं दिख रहा है भाई साहब? हमें सब दिख रहा है, जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में जो घटनाएं हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं भारत के भविष्य का दर्पण करा रही है शीशे में। जो लोग बांग्लादेश में होती घटनाओं को भी नकार दे रहे हैं, जो बंगाल में, जो केरल में, जो आपके कश्मीर में जो बोलते थे ना प्रोपोगेंडा है, फेक है, इस तरह की चीज नहीं होती है, तो आज देख लो तुम जिन जिन को फेक मान रहे हो वो घटनाएं इतिहास में हो चुकी हैं, बांग्लादेश में लाइव हम देख रहे हैं। तो हमें भैया, हमें भविष्य दिख गया है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इस ऑडिटोरियम से आप निकलोगे और अगले चौराहे पे आपको पता चल जाए कि दो दिन बाद इस रास्ते से आप गुजरोगे तो 10 लोग आपके लिए बंदूक लेकर खड़ा रहेगा और आपको मार के आपके पर्स और आपका कैमरा माइक छीन लेगा, तो आप क्या करोगे? जवाब दो। ये आपके भविष्य की जो सोच रहे हैं, वो जो वहाँ जामिया में जो कुछ भी हुआ उस पर जांच बैठी है कि कौन पक्ष गलत था कौन पक्ष नहीं था, लेकिन ये तो बड़ा नफरत वाली बात आप कर रहे हैं कि दीमक को छोड़ दिया गया। हाँ, मैं जवाब, अरे जवाब लो पत्रकार महोदय, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। ये जो घुमा रहे हो ना आप खिचड़ी, मैं भी खूब खिचड़ी वो करता हूँ। अब देखो, अब आप क्या करोगे, पहले अपना सवाल ले लो। आपको पता चल गया कि कोई आपके ऊपर हमला करेगा तो आप तैयारी करोगे, या तो आप कमजोर होगे तो रास्ता बदल दोगे, या तो ताकतवर होगे तो अपने 4 लोग लेकर जाओगे और ठोक दोगे उनको उनके हिसाब से, क्योंकि आप बचोगे तब तो लड़ोगे, अपने जमीर अपने अस्तित्व की लड़ाई तो लड़ोगे। अरे चलो ठीक है, आप धर्म ने इसी सवाल पर वो लोग कहते हैं कि 25% से इतना खौफ खाए बैठे हैं ये लोग कि खतरे में हिंदू हो गया है। खतरे में नहीं सोया, अरे हमारा जंग मुसलमानों से ज्यादा पता उससे ज्यादा किससे है, ये सोए हुए हिंदुओं से है। अरे रोज सुबह हिंदू को जगाओ, शाम को लाइट होते बंद होते सो जाता है हिंदू, फिर अगले दिन बूस्टर डोज अब देना पड़ता है, क्यों देना पड़ रहा है? आपको क्या पता नहीं आपका दुश्मन कौन है? आपको नहीं पता आपको कौन आपको मिटाने की तैयारी कर रहा है? अरे बांग्लादेश में महाराज सुनो, मानते हो मुसलमान को आप टारगेट कर रहे हो, क्यों मानते हो दुश्मन? सबसे पहले तो ये बताइए, दो तरह का होता है, एक जो हमें बगल से बोल रहा है कि तुम लोग काफिर हो, सुनो डोंट डिस्टर्ब, एक मिनट, एक चीज होता है मैं गलत क्यों? आप मुझे बोल रहे हो कि डॉक्टर प्रकाश सिंह ऐसा है, बहुत गंदा आदमी है, जाहिल है, इसको मैं मार दूंगा, काट दूंगा, फेंक दूंगा, क्यों? क्योंकि अपने धर्म के लिए स्टैंड लेता है, बोलता है। तुमने बोल दिया भारत के हम टुकड़े कर देंगे, भारत से हिंदुओं को मिटा देंगे, हम इसको काफिर मानते हैं। अब ये बात मैंने सुन लिया, मैंने बोला तुम मिटा को तो देख, हम तुझे मिटा देंगे, तू मेरे देश को तोड़ तो मैं तुझे तोड़ के दिखा दूंगा, तू मेरे भाइयों को बांट को तो देख तो तुझे मैं बांट दूंगा, ये मैंने उस चीज का रिप्लाई दिया। आप ठीक हो ना, तो हम बहुत ठीक हैं, आप गड़बड़ हो रहे हो और थोड़ा सा हिंदू गड़बड़ अपने आप को कर रहा है तो आपकी छाती में सांस अटकने लगी। दोनों में फर्क होता है, एक होता है हेट स्पीच देना और एक होता है हेट स्पीच का रिप्लाई देना, दोनों में हम अभी तो रिप्लाई दे रहे हैं, हम बोल के आ रहे हैं। गलत कर भी रहा है उसके लिए कानून है तो सही, सरकारें हैं तो सही। जिन सरकारों की आप बात कर रहे हो ना, सुनो अभी उत्तरकाशी की घटना बता रहा हूँ, 2 दिन पहले की है, वहाँ पे पुलिस वहाँ पे अवैध मजार और इलीगल रोहिनिया के लिए प्रदर्शन चल रहा था 2 दिन पहले, तो पुलिस प्रशासन पहले हिंदू लोग जो विरोध कर रहे थे उन पे लठ चला रही थी, उनको भगा रही थी, और बाद में थोड़ा दो तीन परसेंट शांति दूतों को पता चल गया कि ये हिंदू भीड़ लेकर आ रहे हैं पुलिस के साथ, और जब ईंट पत्थर चलाना स्टार्ट किए तो यकीन मानो पत्रकार महोदय, पुलिस सबसे पहले भाग रही थी। तो लोग पता है क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे अरे भाग क्यों रहे हो, अभी तो तुम हमको रोक रहे थे, हम पे लाठी चला रहे हो। तो सुनो, बोलने का मतलब है जो बगल वाला कम्युनिटी है उसका यही एजेंडा है, उनके पास पावर क्या है सबसे बड़ी पता है, इस संविधान का जो रट लगाते हैं ना, इस संविधान का सबसे ज्यादा वही फायदा उठाते हैं।
सबसे ज़्यादा उनका एक ही एजेंडा होता है, अपनी आबादी बढ़ाओ, इस देश में वोट बैंक पॉलिटिक्स बढ़ाओ, अपनी सरकार लाओ और हिंदुओं का सर्वनाश करके इस्लामिक राष्ट्र बना दो सरिया के हिसाब से। ऐसे ही 55-56 कंट्री नहीं हुए हैं, वहाँ भी कोई दूसरे धर्म के लोग रहते थे, लेकिन इन्होंने अपनी आबादी बढ़ाकर उन देशों का खात्मा कर दिया। अब वो भविष्य हम देख चुके हैं, इसीलिए अपने स्वाभिमान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और जो जिस भाषा में समझेगा उसको हम जवाब देंगे। हक के लिए तो लड़ रहे हैं क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक आखिरी सवाल जरूर लेना चाहूंगा, 40 करोड़ हैं, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि उस 40 करोड़ को रिप्लाई देने के लिए बस 1 करोड़ हिंदू ढंग से जग जाए, मतलब अपने देश के प्रति लड़ना कैसे है, बचाना कैसे है, अपने बहु बेटियों की कैसे रक्षा करनी है, अपने लोगों को कैसे जागरूक करना है, हमें कैसे एकत्रित रहना है, ये 4-5 बात हिंदू सीख लिया ना तो उस 40 करोड़ पे 1 करोड़ भारी पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कुसुम यादव, ये आप सब साथ में ही हैं, और कितनी महिलाएं आई हैं यहाँ पे? हम तो बहुत 200 के करीब आए हैं, 150-200। हाँ, क्या डिमांड है? यही कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाए। साथ में आजिए ना, दूर दूर क्यों खड़े हुए हैं, अपनी आवाज़, अगर आप यहाँ आए हैं तो मीडिया को भी अपनी आवाज़ दीजिए कि क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है, क्यों है? गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, गौओं को जो काटा जा रहा है वो काटा ना जाए, क्योंकि गौ माता तो हमारे कृष्ण भगवान की, राम भगवान की टाइम से ये सभी की पूजनीय है, हम लोगों की भी, हिंदुओं की पूजनीय है, प्रथम रोटी भी हम गाय को ही देते हैं, तो हमारे यही है कि गौ माता को काटा ना जाए और उन्हें राष्ट्र माता बना दिया जाए। अच्छा, गौ माता को लेकर तमाम नेता हैं, तमाम पार्टियां जो आवाज़ उठाती आई हैं, लेकिन काम किसी ने नहीं किया अभी तक धरातल पर, क्या लगता? काम किसी ने नहीं करा, सब अपने अपने स्वार्थ को लेके और उसको रोक देते हैं, बिल को आगे जाने नहीं देते, लोगों की बातों को आगे तक पहुंचने नहीं देते हैं। लोग तो सभी चाहते हैं, हिंदुओं में सभी गाय का आदर करते हैं, पर लोग जाग नहीं रहे हैं, जागरूक नहीं हो रहे हैं, इसलिए नेता भी नहीं सुन रहे हैं, सरकार भी नहीं सुन रही है। अभी कुछ लग रहा है कि हिंदू थोड़ा बहुत जाग आए जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि हिंदू जाग रहा है? हाँ, हिंदू जाग रहा है, अपने सनातन धर्म के प्रति भी हिंदू जागरूक हो रहा है, गौ माता के प्रति भी। अब ये अपने स्वामी शंकराचार्य जी महाराज जो हैं ये आंदोलन चला रहे हैं जो ये गाय वाला, तो इससे भी लोगों में जागरूकता आई है। अब 36 राज्यों में ये गए हैं, हर जगह ये गौ ध्वज स्थापित कर रहे हैं, तो उससे भी जागरूकता आई है लोगों में। आप लोगों में भी कुछ जागरूकता है, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब गाय को क्यों राष्ट्र माता का दर्जा चाहिए आपको? गाय को इसलिए राष्ट्र माता का चाहिए, ये ना गाय हमारे गोविंद, कृष्ण भगवान गोविंद कहलाते हैं, पहले से गाय रखते थे, पहले हर त्रेता में द्वापर में गाय हमारी प्रधान रही है, हर जगह गौ माता को पूजा जाता था, तो इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा, क्योंकि हिंदू में प्रथम पूजनीय गाय है, इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। कुछ कहना चाहते हैं, क्या माहौल चल रहा है? माहौल ये ठीक चल रहा है, जैसे सबसे पहले तो जय गौ माता की, और गाय को सबसे पहले गाय को राष्ट्र गौ माता घोषित करना चाहिए, जो अभी महाराष्ट्र की सरकार ने प्रदेश लेवल पर अपने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है, तो हम सभी चाहते हैं। फ़ायदा क्या होगा राष्ट्र माता का दर्जा मान लीजिए मिल गया, क्या फ़ायदा? हम हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था तो गाय है, गाय का दूध पीता, छोटा बच्चा भी होता वो भी गाय का दूध पीता, हर कोई गाय को अपनी माता मानता, तो हम हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था माँ है, माँ को जो बेशक जन्म ना दिया हो लेकिन हम माँ मानते हैं आपको अपनी इसको, लेकिन इससे हमसे सबसे बड़ा फायदा यही रहेगा कि हिंदुओं के लिए गाय को राष्ट्र गौ माता घोषित होना चाहिए, और जो पीठाधीश महाराज गुरु जी ने जो ये मुहिम चलाई हुई है पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं और जगह जगह मुकेश्वर आनंद जी, हाँ मुकेश्वर आनंद जी नाम याद नहीं है मुझे, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, तो इन्होंने जो मुहिम चलाई हुई है, मैं सभी हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो अपने घर में एक एक गाय जरूर पालें और एक गाय के लिए रोटी जरूर निकालें, चाहे जो शहर में, ये तो पहले से भी निकलता आया है, मैंने भी अपने घर में देखा है कि हमारी जो माता जी हैं पहले से निकलता आया, लेकिन आज के टाइम पे शहरों में कुत्ते बिल्ली ज़्यादा पाल रहे हैं, गाय को नहीं पालते हैं, गाय के लिए ये तो उनकी पर्सनल चॉइस है ना कि वो कुत्ता बिल्ली पाल रहे हैं, किसी से पैसा थोड़ी, पर्सनल चॉइस क्या, पर्सनल चॉइस तुम कुछ भी करो मुजरा करोगे, वो पर्सनल चॉइस है, गाय को राष्ट्र गौ माता घोषित कराने के लिए आधा से ज़्यादा हिंदू मजाक बना रहे थे, हम अभी जब खजूरी से यहाँ तक आए पैदल आए हम इस जगह तक, लेकिन आधा से ज़्यादा हिंदू हम पर हंस रहे थे, हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी यही है कि हिंदू देख देख के हंसता है, हिंदू एकत्रित नहीं है, मतलब इनको फालतू चीज़ें समझ रहे हैं लोग, गाय को बहुत ज़्यादा हिंदू लोग फालतू से भी चीज़ें समझते हैं, कुछ हिंदू समझते हैं, 80% हिंदू ज़्यादा नहीं समझते हैं,
20% हिंदू ही अपना गाय को राष्ट्र गौ माता घोषित करवाने के लिए लगे हुए हैं। अगर 100% आ जाएंगे तो गाय को राष्ट्र गौ माता घोषित होने से लिए 2 घंटे के अंदर गाय राष्ट्र गौ माता घोषित हो जाएगी, अगर पूरा 100% 120 करोड़ हिंदू आ गया तो। क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे या संसद भवन पर अटके आंदोलन करेंगे कि हमको राष्ट्र गौ माता घोषित करना। पिछले 10 साल से शंकराचार्य जी की अगुवाई में सारी चीज़ें होने वाली हैं। शंकराचार्य जी की अगुवाई में भी करेंगे, अगर शंकराचार्य जी नहीं होंगे तो हम उनके बगैर अगुवाई में भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अगर पिछले 10 साल से हमें बीजेपी सरकार, जो बीजेपी के जो नेता हैं, वो हमारे को ये चीज़ लॉलीपॉप देते आ रहे हैं हिंदुओं को कि तुम्हारे को राष्ट्र गौ माता घोषित कर देंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, लेकिन अभी तक हिंदू के लिए बीजेपी के किसी नेता ने, बड़े नेता ने नहीं बोला कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बड़े नेता ने नहीं बोला, छोटे ने बोला है, ठीक है। बीजेपी को जो वोट मिला था हिंदुत्व के ऊपर वोट मिला था, जो भी मिला था। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव में अमित शाह जी ने बोला था कि हम ईद पर और मुहर्रम पर तुम्हारे को 2-2 सिलेंडर फ्री देंगे, आपकी बेटियों को 25 से 30 हज़ार रुपये हम फ्री देंगे। हिंदुओं की बहन बेटियों को क्यों नहीं है? हिंदुओं के लिए जो गरीब जड़दे के हिंदू हैं, तो दलित हैं, कोई भी हैं, उनके लिए घर नहीं है और तुमने उनके लिए घर बनवा के दे रखे हैं। एक एक गांव में 50-50, 100-100 घर दे रखे हैं जहाँ से तुम्हें एक वोट भी नहीं मिला। मैं बिल्कुल इस पर जीता ज़्यादा प्रणाम दे सकता हूँ। हिंदुओं के लिए तुम घर क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों इतना भेदभाव कर रहे हो हिंदू के साथ में? तुम रात अनाज देते हो। वो कहते कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, आप कह रहे हैं हिंदुओं के साथ भेदभाव नहीं हो रहा। मैं जीता ज़्यादा प्रणाम दे सकता हूँ आपको सबूत के साथ में। आप जितना भी राशन बांट रहे हो, सबसे ज़्यादा ये मोमडन क्लास के लोग जो अपने आप को अल्पसंख्यक बोलते हैं, यही लेते हैं और कोई नहीं ले रहा है उसका फ़ायदा। हिंदू नहीं ले रहा है उसका फ़ायदा, हिंदू फायदा नहीं ले रहा है। हाँ, ये तो पता नहीं क्या वहम है कि वो कहते हैं हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, आप कह रहे कि हमारे साथ। बात बताओ, मेरे गाँव में जो जितने भी शेड्यूल कास्ट के या अल्पसंख्यक लोग हैं, एक एक घर में 15-15, 20-20 लोग हैं। हिंदू के घर में, जाटों के घर में, कोई भी बिरादरी ले लो, किसी के घर में कोई राशन लेने नहीं जाता। वो राशन कहाँ जाता है? वापस चला जाता है, डीलर खा जाता है, सीधी बात है। लेकिन शेड्यूल कास्ट या अल्पसंख्यक लोग पूरा अपना घर का राशन लेने जाते हैं, वो उनको राशन पूरा मिलता है। तो उनको क्यों मिलता है? एक्सक्यूज मी, 1-2 मिनट, क्या नाम है सर आपका? ब्राह्मण सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। कहाँ के? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं कार्ड दे रहा हूँ। क्या डिमांड है आप लोगों की? इतने सारा हुजूम क्यों इकट्ठा किया है? ये मेरा कार्ड है, देखो जी, रख लीजिए। हम ना कोई समाज, हम पहले हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू हमें अपनी गौ माता को यदि बचाएंगे तो तभी हमारा देश आगे चल सकता है।